टॉपिक लाया हूँ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर से, जो कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सही है, जो कि हमारे पास सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन है। सही है, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर वन सेल बायोलॉजी। इसका फंक्शन, इसके कंपोजिशन एंड इसके फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ किस चीज़ से बने हैं, किस चीज़ से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सेल वॉल। जो कि हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल को डिस्कवर करने के लिए देखते हैं कौन डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया है 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल वॉल। सही है, कंपोजिशन को अभी देखते हैं, प्लांट सेल में देखा गया। सही है, उसी टाइम सेल वॉल में जो कि हमारे पास सेल्लोज है, सेल्लोज हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीमिन मैनी सेकेराइड में शुगर, पॉलीमिन मैनी सेकेराइड शुगर, सर मैनी शुगर से मिलकर बने। सही, सेल्लोज उस चीज को कहते हैं एबेंडन स्पेस सेल वॉल, जो कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज हमारे पास क्या कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसको कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट एंड सेलुलोज हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारे पास दुनिया में। सही है, इस अर्थ में सही है, जो बहुत अबंडेंट है उस चीज को हम लोग कहते हैं सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत से शुगर से मिलकर बने हैं। ठीक है, जो दुनिया के सबसे पहला जो हमारे पास वो है, वो शुगर है, वो हमारे पास सेलुलोज है। ठीक है, सेलुलोज में जो बनने वाली चीजें हैं वो हमारे पास है क्लोथ्स एंड फाइबर्स एंड पेपर्स, इनसे मिलकर बनते हैं जो सेलुलोज के मदद से। सही है, देखिए मैंने पहला डिस्कस किया, पहला प्लांट सेल। दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल में हम देखते हैं म्यूरिन से मिलकर बने, से म्यूरिन से मिलकर, जो कि पेप्टिडो ग्लाइकन पेप्टिमिन अमाइनो एसिड ग्लाइकोन से अमाइनो एसिड से मिलकर बने। अमाइनो एसिड पेप्टिडो ग्लाइकिन, जो अमाइनो एसिड ग्लाइकिन मीन शुगर। सही है, शुगर जो हमारे पास सेल वॉल है। सही है, हमारे पास जो म्यूरिन है, म्यूरिन एक माइक्रो माइक्रो प्लाज्मा, माइक्रो प्लाज्मा से मिलकर बनाते हैं। सही है, इसको माइक्रो प्लाज्मा भी कहा जाता है। सही, इसको शुगर, माइक्रो प्लाज्मा शुगर। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारे पास सेल वॉल, सेकेंड वन था जो बैक्टीरियल सेल वॉल में देखा गया, और थर्ड वन है फंगल, फंगल सेल वॉल। क्योंकि मैंने पहले बात बताया कि जो सेल वॉल को देखा गया था कि एक फंगल में, एक बैक्टीरियल में, एक प्लांट सेल वॉल में। सही है, जो कि प्लांट सेल में हमारे पास काइटिन से बने। सही है, काइटिन, काइटिन जो कि नाइट्रोजीनियस बेस एंड पॉलीसेकेराइड से बने। सही है, जो कि पॉलीसेकेराइड में बने, इसको कहते हैं काइटिन से मिलकर बने हैं जो हमारे पास फंगल सेल वॉल है, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं। सही है, जो सेकंड हम लोग देखते हैं। सही है, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखते हैं। सही, किस चीज़ से बने हैं। सही है, स्ट्रक्चर में हम लोग देखे दो सेल हम मिल करके, सही ड्रा किया, ऐसे मिलकर बनते हैं। सही, हमारे पास जो कि पहला, जो हमारे पास जो फर्स्ट वन ब्लैक से मिलकर बने, इसको पॉली प्राइमरी सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर। सही है, आउटर मोस्ट लेयर हम लोग उसको कहते हैं प्राइमरी सेल, हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि किस चीज से बने हैं, सेलुलोज एमिनोज एंड पैक्टिन से मिलकर बने हैं। सही, इसको मदद देगा, जो कि हमारे पास पैक्टिन सेलुलोज से एमी सेल। ठीक है, जो सेकंड वन हमारे पास है, जो हमारे पास सेकंड लेयर जो कि खोखला है। सही है, खाली। सही है, उसको क्या कहते हैं हमारे पास मिडल लेमेला, मिडल लेमेला उस चीज को कहते हैं जो स्टिकी लाइक से,
स्टिकी लाइक पॉलीसेक्राइड मिलकर बने सही फेलिकल्स फेलिकल्स को जब स्टिकी मीन लाइक जेल लाइक यू नो अभी जो मिडल लैमेला है इसको मूवमेंट या इसको रिलैक्स कंट्रैक्ट के लिए भी काम देगा सही है, जो कि हमारे पास एक दो सेल को कंबाइन करने के लिए मदद देगा। वो है हमारे पास मिडल लैमेला सही, इसको जो फ्लेक्सिबल बनाएगा फ्लेक्सिबल ठीक है। जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल में हमारे पास जो कि लेगेनिन से लेगेनिन पॉलीमर से बनकर बने सही है, उसको कहते हैं सही। जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल है वो वुडी प्लांट्स में होगा, जो कि स्मॉल प्लांट्स में वो नहीं होगा सही है। प्लांट्स में होता है लेकिन इसको ठोस बनने के लिए इसको सेकेंडरी सेल वाल मदद देगी ठीक है। जो कि हमारे पास फोर्थ वन है जो कि रेड से मिलकर बने सही, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है, जो रेड से मिलकर बने। द लास्ट वन है हमारे पास प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा उस चीज को कहते हैं जो पोर्स होते हैं चैनल्स होते हैं, जो रास्ता होते हैं रास्ते हैं जो यहाँ से इंटर होते हैं सही, प्लांट्स को से किस चीज की जरूरत होगी सही, उसको यहाँ से ट्रांसफर करेगा, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा सही, उठाएगा जो प्लाज्मो डेस्मेटा से। प्लाज्मो डेस्मेटा एक पोर्स होते हैं सही, चैनल्स होते हैं फॉर पैसेज सही चीजों के लिए, जो कि एक सेल से दूसरे सेल तक किसी चीज को ट्रांसफर करना वो है रास्ता। वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मो डेस्मेटा के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मो डेस्मेटा किसी चीज को इंटर, किसी चीज की जरूरत होगी जरूरत हो गया वो यहाँ से उसको इंटर होने देगा ठीक है। जो हमारे पास प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स भी मौजूद है, वैक्यूल सही है, वैक्यूल्स वैक्यूल इसको जब पानी ज्यादा स्टोर होगा सही, इसको प्लांट्स को बस्ट होने से रोकते हैं सही। इसको वैक्यूल्स का काम यह है किसी प्लांट्स को जो हमारे पास वैक्यूल है उसको बस्ट होना उसको जो नहीं कर उसको मदद देगी ठीक है। जब जो हमारे पास मिडल लैमेला वो इसको जी अभी फंक्शन को देखते हैं सही है। फंक्शन हमारे पास फर्स्ट है जो सपोर्ट, सपोर्ट उस चीज़ को कहते हैं जो सेल वाल होगा जो प्लांट्स को सपोर्ट करे, खड़ा होने में उसको सपोर्ट करेगा, जो खड़ा होते सही प्रॉपरली उसको सपोर्ट करेगा। हमारे पास फर्स्ट है सपोर्ट। जो सेकंड वन है हमारे पास प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हमारे पास जो प्रोटेक्ट करेगा उसको महफूज करेगा वो किसी चीज़ से जो फ्रॉम द पैथोजिन से, फ्रॉम द पैथोजिन से जो इसको प्रोटेक्ट करे वायरस से बैक्टीरियल से बैक्टीरिया से, जो पैथोजिन की मदद से पैथोजिन से इसको प्रोटेक्ट करेगा इसको महफूज करे ताकि उसको फंगल नहीं लग जाए। तो हमारे पास थर्ड है जो कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उस चीज़ को कहते हैं जो कि थ्रू प्लाज्मो डेस्मेटा। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को अभी इस सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत होगा सही है, अगर ज़रूरत हो गया उसको थ्रू प्लाज्मो डेस्मेटा उसको फ्राम करेगा, किसी चीज़ को फ्राम करेगा, अगर इसको नीड हो गया इसको ज़रूरत हो गई सही है, फिर यहाँ से उसको थ्रू चैनल्स थ्रू द पैसेज बाय द हेल्प ऑफ यू नो प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा से उसको ज़रूरत हो गया फिर उसको ट्रांसफर कर देगा ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ वन है विद स्टैंड टर्गर प्रेशर, इसको टर्गर प्रेशर जब मैंने पहले भी कहा जो कि वैक्यूल में अगर ज्यादा पानी स्टोर हो गया उसको टर्गर प्रेशर में कौन करेगा, इसको सेल वाल जब प्लांट्स में पानी इंटर ज्यादा होगा सही है स्टोर ज्यादा होगा उसको टर्गर प्रेशर और प्रेशर भी इसको मेंटेन करेगा और इसको बस्ट होने में भी मदद देगा। जब एक दफा आप गुब्बारे को आप आवाज दोगे ना उसको फिर उसका आवाज छोड़ोगे फिर उसको मुरझा जाएगा सही है। अभी देखो इसका टर्गर प्रेशर उसको कंट्रोल किया। जब आप प्लांट्स को देखते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो जब धूप लगने से उसको मुरझा जाता है, जो नीचे ऐसा मुरझा जाता है सही, उसके टर्जर प्रेशर की कमी की वजह से सही है, टर्जर प्रेशर जो कि पानी जो वाटर उसका वो कम होता है सही, ऑस्मोटिक इसको बाद में हम देखते हैं सही है। जो हमारे पास स्टोरेज है, स्टोरेज स्टोरेज जो प्लांट्स में होते हैं सही है, जो स्पेशली इसको देखा गया है सीड्स में,
सीड्स में इसको देखा जाएगा। सही है। आज का ये था हमारा लेक्चर जो कि सेलवाल के बारे में था। सही है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जो बेल आइकन को दबाए जो अपकमिंग वीडियोस है उसके लिए आपको मिस नहीं हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।